ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा जो है वो अंक शास्त्र है, जिसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। जी हाँ, गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किससे आपकी शत्रुता, साथ ही और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक, मूलांक एक के जातकों के लिए आज का जो दिन है वो पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि लेकर आने वाला है, जिनको आप अच्छे से निभाने में सक्षम भी रहेंगे। विभागीय परीक्षा देने वाले जातक को सफलता मिलेगी और अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र का जाप करें। मूलांक दो, मूलांक दो के जो जातक है उनके लिए आज व्यापारिक मामलों में की गई यात्रा जो है वो लाभदायक सिद्ध होगी और आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आती दिख रही है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी पूरी पूरी संभावना और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है। उपाय के तौर पर चांदी के पात्र में दूध पिए, सफल परिणाम मिलेंगे। मूलांक तीन, मूलांक तीन के जातकों के लिए आज आय और व्यय में उचित संतुलन बनाने में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों में अधिकता बनी रहेगी, बाहर के खान पान के कारण पेट से संबंधित किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मूलांक चार, मूलांक चार के जो जातक है उनको ससुराल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार मिल सकती है। संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद घर के किसी बड़े के मध्यस्थता से दूर होगा और विद्यार्थी विदेशी भाषा सीखने में रुचि दिखाएंगे। उपाय के तौर पर नारियल जल में प्रवाहित करें। मूलांक पांच, मूलांक पांच के जातकों के लिए आज का दिन जो है वो जोखिम भरे निवेश से सावधानी रखने का है, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा और कार्यक्षेत्र में तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। काम की व्यस्तता के बावजूद परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और समय आप निकाल पाएंगे परिवार के लिए। उपाय के तौर पर छोटी कन्याओं को भोज कराएं, उनका आशीर्वाद लें। मूलांक छह, मूलांक छह के जातकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों में जल्दबाजी न दिखाने की समझाइश और यदि संभव हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से भी सलाह लेना लाभकारी होगा। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, शाम तक परिवार के साथ किसी समारोह में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। उपाय है दही का सेवन करें। मूलांक सात, मूलांक सात वाले जो जातक हैं उनके लिए आज व्यापार में अपेक्षित लाभ न मिलने के कारण मन उदास हो सकता है। व्यापारिक मुद्दों पर घर के बड़ों का उचित मार्गदर्शन मिलेगा, जिनकी मदद से कुछ लाभदायक प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर काला सफेद कंबल मंदिर में दान करें। मूलांक आठ, मूलांक आठ के जातकों के लिए आज परिवार के साथ धार्मिक कार्यों में संलग्न रहें, जिसके चलते मानसिक शांति का अनुभव आप करेंगे। कार्यक्षेत्र में अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। करीबी रिश्तेदार से कोई भी उपहार मिलने की संभावना दिख रही है, जो कि आपके लिए लाभकारी होगी। उपाय के तौर पर मछलियों को आटे की गोलियां खाने को दें। मूलांक नौ, मूलांक नौ के जो जातक है उनके लिए अंक राशि कहती है लंबे समय से चल रही किसी समस्या को सुलझाने में आज सफलता मिलेगी। भाइयों के सहयोग से जो है वो नए व्यापार को शुरू करने का मौका मिलेगा और युवाओं को जोखिम भरी यात्रा से बचना है। उपाय के तौर पर देसी खांड मंदिर में दान करें।